you will check the record and you will assess you will do fetal maternal assessment to rule out any contraindication to normal vaginal delivery. क्या मतलब है इस बात का? इसका ये मतलब है कि आपने पेशेंट का रिकॉर्ड चेक कर लिया कि कोई ऐसी इंडिकेशन तो नहीं है कि आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट सीजेरियन की तरफ जाओ, मतलब कोई प्लेसेंटा प्रीवियस टाइप 4 है, कोई ब्रीच फर्स्ट ट्विन जो है तो वो ब्रीच है, या जो है तो प्रीवियस सीजेरियन इंसेक्शंस है, ठीक है, अच्छा, या IUGR बेबी है, या कोई भी आपने एवोल्यूएट किया, उसके बाद रिकॉर्ड में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन क्लिनिकली आप पेशेंट को एग्जामिनेशन कर रहे हो ना, तो आपने अल्ट्रासाउंड किया, आप देख रहे हो कि फर्स्ट ब्रीच जो है तो वो केफेले के दोनों लेके और लाइकर ठीक है, कोई मसला नहीं है, बच्चे की सीटी जी कर ली वो ठीक है, अब आपने पेशेंट को लेबर रूम में शिफ्ट करा दिया फर्स्ट स्टेज में, उधर एनेस्थेटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया और आप जो है तो इसको लेबर के गाइड के थ्रू मॉनिटरिंग शुरू कर दिया है कि अब हम इसके लेबर को मॉनिटर करेंगे. लेबर को आपने मॉनिटर कैसे किया? आपके पास दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, किफे लेके सब कुछ नॉर्मल है, अब यू विल मॉनिटर हर लेबर, यू विल मेंटेन IV लाइन, ठीक है, सेंड द बेस्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन विच इंक्लूड द क्रॉस मैच एंड द ब्लड CP एंड यू विल अरेंज वन विद RCC इन्वॉल्व एनेस्थेटिस्ट एंड न्यूनोटोलॉजिस्ट एंड आफ्टर दैट यू विल मॉनिटर हर लेबर बाय लेबर केयर गाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेबर केयर गाइड उसमें सारा कुछ बताया है कि आपने इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को देनी है, उनको मोबिलाइज करना है, उसको पेन रिलीफ करना है, उसके बाद जो है आपने हर 30 मिनट्स के बाद उसकी फीटल हार्ट रेट चेक करनी है बच्चों की, और इसमें 20 मिनट्स का डिफरेंस होगा तो हमें लगेगा कि एक फीटस का है और दूसरे फीटस का है, पहले 10 मिनट्स का हम कहते होते थे, आजकल 20 मिनट्स है, ठीक है, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन जो है तो अकॉर्डिंग टू पेन्स करनी है, लेकिन वैसे 4 आवर्स रिकमेंडेशन है, ठीक है, लेकिन 2-4 आवर्स आप पेपर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हो, और अगर आपने ड्यूरिंग एग्जाम बोना है तो आपने एसेप्टिक वेजाइनल एग्जामिनेशन का नाम लेना है, ठीक है, अच्छा, अब आप ट्विन डिलीवरी को, वो तो आपको सिर्फ 10 मिनट्स होते हैं और आपको कहेंगे ट्विन डिलीवरी करो, ये सारी कहानी है तो आपने नहीं करनी है, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है, ठीक है, तो आपने सिंपल एक सेंटेंस बोलना है कि फॉर ट्विन डिलीवरी I will do fetal maternal assessment that normal vaginal delivery is possible. तो उनको समझ आ जाएगी कि इसको पता है कि normal vaginal delivery के लिए मैंने assessment करनी है कि first के पहले के, और आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर male presentation है तो normal vaginal delivery possible नहीं है, वो singleton है या वो twin है, ठीक है, तो आपने simple एक sentence बोली, आपको एक target उन्होंने दे दिया कि twin delivery करो, बस आप जाओगे, आप कहोगे तो first of all I will introduce myself to the patient and I will rule out any contraindication to normal vaginal delivery. I will do fetal maternal assessment that normal vaginal delivery is possible. After that, I will assess the first is cephalic membrane rupture, cervix is fully dilated. Two fetal resuscitation trolleys are ready and one PPH trolley is ready. Two neonatologists are there and two staff is available. ठीक है, दो स्टाफ है, दो न्यूनाटोलॉजिस्ट है, दो रिसेसिटेशन ट्रॉली है, एक PPH की ट्रॉली आपके पास रेडी है, इसलिए कि ट्विन में PPH का रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन. यहाँ तक समझ आ गई? आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इवोल्वेट द पेशेंट दैट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल, टू रिसेसिटेशन ट्रॉलीज, वन PPH ट्रॉली इज रेडी, टू न्यूनाटोलॉजिस्ट, टू स्टाफ एंड टू ऑब्स्टेट्रिशियन आर अवेलेबल. ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन एक भी है तो कोई बात नहीं, one obstetrician, two neonatologist, two staff is available and anesthetist is involved. ठीक है, after that as the patient is fully dilated, so I will deliver the first fetus को आपने deliver किया, इसमें जो important बात है वो second fetus की है, वो ये है कि after delivery of the first twin, I will assess for the second twin the lie presentation, के वो longitudinal है, presentation उसकी किफेले के या breach है, जो भी है, I will assess, confirm the lie and presentation, continuous fetal heart rate monitoring should be there. ठीक है, CTG आपने लगाई है continuous monitoring के लिए, आपने assess किया कि उसकी lie क्या है, उसकी presentation क्या है, और अगर आपके पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल है तो आप उस पर भी कंफर्म कर लोगे कि फेलिक है, लाई लॉन्गिट्यूडनल है और CTG पे आपके पास ठीक आ रहा है सब कुछ. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब फर्स्ट बेबी को डिलीवर किया, आपने क्लेम किया, ठीक है, और आपने उसको कॉर्ड को कट किया और आपने उसको हैंड ओवर कर दिया. ठीक है, अगर दूसरा प्लेसेंटा है तो वो उस बच्चे के लिए दूसरी कॉर्ड है उधर. ठीक है, लेकिन अगर आपने, अच्छा पहले नॉर्मल चीजें बताऊं, उसके बाद आपने क्या किया, आपके पेशेंट को पेन्स नहीं आ रही या कुछ भी है तो आप उसको सेंट्रोसिनोन चला सकते हो और आप वेट कर सकते हो, यू कैन वेट फॉर 30 मिनट्स इफ द CTG इज रिएक्टिव. ठीक है,
आप 30 मिनट्स का वेट करो, इसमें से कॉन्ट्रेक्शन आएगी तो बच्चा डिलीवर हो जाएगा। इफ द मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, तो आपने उस टाइम तक मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं करने जब तक के बेबी इसके स्पाइन के लेवल तक नहीं आ जाता, एंगेज नहीं हो जाता, ठीक है। Once the first baby delivered, we assess for the second. I will assess for the second baby her the baby's life presentation and cardiac continuous cardiotocographic monitoring for her for baby's heart rate. And if the contraction is not present, then I can start syntocinon infusion. After that, I can wait for 30 minutes if the CTG is reactive. Once 30 minutes completed, once the baby head is engaged, I will rupture the membrane and I will deliver. After delivery of the fetus, clamp and cut the cord hand over the baby's pediatrician. Thirst state should be actively managed. Complete placental delivery and after that, check for any tears. I will stitch the episiotomy. Check for complete my count, gauze and instrument counts. और उसके बाद reposition, recover, ठीक है? और आपने उसको सारा कुछ समझा देना है। उसके बाद अगर आपके पास मेल प्रेजेंटेशन है सेकेंड ट्विन की, ठीक है, अगर आपके पास सेकेंड ट्विन जो है वो केफेलिक नहीं है, वो ब्रीच है, तो कोई बात नहीं। जब ब्रीच इधर एंगेज हो जाता है, यू विल रप्चर द मेम्ब्रेन्स एंड आफ्टर दैट यू विल डू असिस्टेड वजाइनल ब्रीच डिलीवरी, जिस तरह मैंने आपको अभी पढ़ाई है। लेकिन इफ द बेबी इज इन ट्रांसवर्स लाई एंड द कार्डियक एक्टिविटी इज नॉर्मल, यू कैन परफॉर्म एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन। यू विल प्लेस वन ऑफ यूर हैंड ओवर द हेड एंड द अदर ओवर द ब्रीच एंड यू विल रोटेट, ठीक है, रोटेट कर दिया और बच्चे को फिर आपने ब्रिज की तरह डिलीवर करना है। लेकिन इफ द बेबीज हार्ट रेट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, तो उसके बाद आपने यू विल इंट्रोड्यूस योर हैंड इन साइड द यूट्राइन कैविटी एंड यू विल फील फॉर द फीट ऑफ द बेबी थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स, ठीक है, एंड यू विल ट्राई टू होल्ड वन और इट इज बेस्ट इफ यू विल होल्ड टू फीट, बोथ ऑफ द फीट, ठीक है, यू विल होल्ड इट विद इंटैक्ट थ्रू इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स एंड यू विल ब्रिंग द फीट टिल द outside the introitus, and once the baby fetus is outside the introitus, the rest of the delivery will be just like the breech delivery, ठीक है, आप breech की तरह उसको बाकी deliver करो। ये internal podelic version है कि सबसे पहले उसको transverse में था, आपने उसके fingers fetus को पकड़ लिए through intact membrane, आपने उसको position इस तरह कर ली। एक बंदा इधर head पे हाथ रख के उसको flex रखने की कोशिश करेगा, इसे कि अगर हाथ पर extend हो गया फिर तो नहीं deliver होगा, ठीक है, आपने इस तरह किया। आपने जब इसको below the इंट्रोइटस, आप इसको इंट्रोइटस के तक लेके आ गए हो, इंट्रोइटस के नीचे, तो फिर आप उसके मेम्ब्रेन्स को रप्चर करके और आप इसको जो है तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन करना, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था?